हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और दोबारा मैं आपका वेलकम करता हूँ आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल पॉइंट। दोस्तों, अगर आपको भी आपके मोबाइल में OTG कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो को आप कम्प्लीटली देख लीजिए। मैं आपको मोबाइल में सेटिंग बताने वाला हूँ जो ऑलमोस्ट सभी मोबाइल में कॉमन होती है। उस सेटिंग को ऑन करने पर किसी भी USB की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और देख लेते हैं प्रैक्टिकली किस तरीके से हम मोबाइल के अंदर OTG या फिर किसी भी तरीके का USB कनेक्शन जो है वो आसानी से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम हमारे मोबाइल की सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद हमें सिस्टम्स में आना है, एडवांस में आना है। इसमें यहाँ पर हमें डेवलपर ऑप्शंस जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें इसे स्क्रॉल करना है और डिबगिंग में पहला ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं USB डिबगिंग। ये अगर ऑफ है फर्स्ट टाइम, पहली बात तो ये है कि आपका डेवलपर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से हमें अलाउ नहीं किया जाता, इसे हमें ऑन करना होता है। यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन आ जाने के बाद ही आपको जो है इस सेटिंग के अंदर आने को मिलेगा। तो यहाँ पर USB डिबगिंग को आपको ऑन कर लेना है। अगर ये ऑफ है तो किसी भी तरीके का, चाहे आप इसमें USB माउस लगा रहे हो, चाहे तो फिर पेन ड्राइव लगा रहे हो, या फिर आप इसे आपके कंप्यूटर लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हो, किसी भी तरीके का USB कनेक्शन ऑफ हो जाएगा आपका अगर आप इसे सेटिंग को बंद करते हो तो। हाँ, तो इसे आप USB डिबगिंग को ऑन कर लीजिए। जब इसे आप ऑन कर लोगे तो किसी भी तरीके की USB की कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम है आपको नहीं आएगी, आसानी से आपका USB जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो इसे आप करके देखिए, फिर भी अगर आपको USB कनेक्ट नहीं होता है, OTG कनेक्ट नहीं होता है, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है आपको ठीक लगी होगी। अगर आप इन सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड हैं तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक के आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई एक नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा पाए। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।